क्योंकि हम वो पीढ़ी की पत्रकारिता लोगों को दिखा रहे हैं। क्या कमला हैरिस खुद को सच में भारतीय मानती हैं? बिहार की जनता अगर इतना भरोसा कर रही है तो भरोसा उन्होंने दिलाया है क्या सिर्फ एक वादा 10 लाख रोजगार का? जीएसटी का पैसा ममता बनर्जी को नहीं भेजते हैं। मुझे लगता है आपका इंटरव्यू भटकता जा रहा है। ट्रैक से आपकी गाड़ी उतर रही है। नौकरी के मुद्दे पर हाथ खड़ा कर दिया नीतीश कुमार ने, कहा नकली पैसा से होगा क्या? हम गोदी मीडिया की अक्सर बात इसलिए करते हैं क्योंकि वह सरकार से सवाल नहीं करता बल्कि विपक्ष को ही टारगेट करता है। पर आज हम इस हफ्ते गोदी मीडिया में क्या कुछ मजेदार पल रहे उस पर चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की, जो हाल ही में जेल से बाहर आए हैं। मुंबई पुलिस ने उन्हें 2018 के एक सुसाइड केस में गिरफ्तार किया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टी वाले दिन इस केस पर सुनवाई की और अर्नब को अंतरिम बेल दे दी। पिछले कुछ दिनों से अर्नब जेल में ही थे, अब जब वह बाहर आए तो आप ही देखिए उनके ये मिजाज। भारत माता की, बंदे, बंदे, बंदे। बाहर आते ही अर्नब अपने स्टाफ से मिले और वहां उन्होंने एक स्पीच दी। इस स्पीच में भावुक तो वह हुए, पर बाद में वह चैलेंज देते भी दिखाई दिए। वह उनके चैनल द्वारा की पत्रकारिता पर भी टिप्पणी कर रहे थे। जिनको प्रॉब्लम है हमारे पत्रकारिता से और जो जवाब और बहस करने की हिम्मत नहीं है हमसे, वो सत्ता का दुरुपयोग करके सोचते हैं अपनी पुरानी सोच और पुराने तरीकों से इस नेटवर्क को, जिसने हम सब लोगों ने मिलकर बनाया है, इसको तोड़ेंगे। और मुझे गर्व है जो भी रिपोर्टिंग हमने की है। प्रॉब्लम उन्हें व्यक्तिगत है हमारे से और मुझसे, क्योंकि हम वो पीढ़ी की पत्रकारिता लोगों को दिखा रहे हैं। देयर प्रॉब्लम इज विद अ काइंड ऑफ जर्नलिज्म एंड आई वांट टू टेल देम, we don't owe an explanation to these politicians to define what our journalism will be. हम कभी समझौता नहीं करेंगे। वे कैसी पत्रकारिता कर रहे थे इस पर चर्चा करना सही नहीं होगा। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहां पता है। अब आप पलटने वाली पत्रकारिता देखिए। हाल ही में बिहार के चुनाव तो हुए ही, पर अमेरिका में भी चुनाव थे और इन चुनाव में जो बाइडेन की जीत हुई और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस होंगी, जो कि भारतीय मूल की हैं। चुनावों से पहले जी न्यूज के शो डीएनए में उनकी भारतीय होने पर ही सवाल खड़े कर दिए गए थे। कमला हैरिस जैसे ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की दावेदार बनी, वैसे ही भारत में जश्न मनाया जाने लगा और सबने कहा कि भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि कमला हैरिस के रूप में अमेरिका में कमल खिल गया है और प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स यानी पोटस को लोटस मिल गया, यानी भारत का कमल अमेरिका में खिल गया है। क्या कमला हैरिस खुद को सच में भारतीय मानती हैं? ये बात सही है कि कमला हैरिस की जो माँ है वो भारतीय मूल की थी और उनके पिता जो हैं वो जमैकन मूल के थे। इन सवालों के जवाब आपको हैरान कर सकते हैं और आपकी सारी खुशी भी शायद निराशा में बदल सकती है। जब हमने कमला हैरिस के कुछ पुराने बयानों को सुना और पढ़ा तो हमें भी काफी निराशा हुई। लेकिन इसके बाद जब चुनाव खत्म हो गए और उनकी पार्टी जीत गई, उसके बाद जी न्यूज का ये ग्राफिक काफी वायरल हुआ, जिसमें लिखा था सुपर पावर की शक्ति, शिखर पर भारत की बेटी। इतना ही नहीं, जी न्यूज का एक और ग्राफिक काफी वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका चुनाव में सबसे ऊपर बताया गया है। अब जब नेताओं की बात की ही है तो आप ये भी वीडियो देख लीजिए, जिसमें एक पत्रकार अमित शाह से तीखे सवाल करती दिख रही हैं। अब बंगाल की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश भूल जाते हैं, अपने खुद के भाजपा के शासित राज्य भूल जाते हैं। वहाँ किस तरह से हत्याएं हो रही हैं, हाथरस कांड हो या बाकी हो, लेकिन बंगाल की छवि धूमिल करने का प्रयास करती है बीजेपी। देखिए, उत्तर प्रदेश में पहले क्या था आज क्या है, तो योगी जी ने स्थिति को बहुत सुधारा है। और ममता जी ये बता दे कि पहले बंगाल में क्या था और वो कहां पर लेकर आई। आपने सीमा की बात की, बीएसएफ इंचार्ज है जो कि आपके अंतराधीन है, तो कैसे राज्य जिम्मेदार है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर? इसके लिए हर बार राज्य को जिम्मेदार पहुंच ठहराना क्या ठीक है? सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल करके बंगाल के अधिकारियों को
बंगाल के नेताओं को खास तौर से टीएमसी को टारगेट करके परेशान करते हैं। कोई उदाहरण दे दे तो जवाब दे पाए। आप भी अगर फील्ड में घूमती होती तो आपको मालूम पड़ता, बैलेंस करने के लिए आप सवाल पूछो वो तो ठीक है, मुझे जवाब देना पड़ेगा। सौरभ गांगुली से बातचीत हो रही है। नहीं, मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। बंगाल में पक्षपात का आरोप आप पर लग रहा है कि आप अम्फन का पैसा बोलते हैं भेजते नहीं है, केंद्र सरकार की स्कीम लागू की जाए तो पैसा दिया जाएगा, जीएसटी का पैसा ममता बनर्जी को नहीं भेजते हैं। यहाँ तक उनके बयान का सवाल है, मैं ऐसी पढ़ना नहीं चाहता। लव जिहाद के लिए कई राज्य आवाज उठा रहे हैं उस पर कानून लाने के लिए, कैसे देखते हैं बताओ गृह मंत्री? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का इश्यू है, राज्य अपनी राज्य के विधानमंडल अपने कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। मुझे लगता है आपका इंटरव्यू अब भटकता जा रहा था। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? आज के समय में कौन सा ऐसा पत्रकार है जो अमित शाह से इतने तीखे सवाल करता दिखे। खैर, अब बिहार के चुनावों की भी बात कर लेते हैं। बिहार चुनाव तो खत्म हो गए, नतीजा एनडीए के पक्ष में आ गया, पर आपको न्यूज चैनल में ये देखकर काफी मजा आया होगा। आज तक ने तो चुनावों में एक स्पेशल सेट ही बना डाला, आप ये देखिए। सीट दिखाने के लिए हमें नीचे आना पड़ेगा, हम नीचे आए, वो इंतजार जो सीट का, ये लीजिए एक्सेलेटर आ गया है और मैंने इस पे पैर भी रख दिया है। नीचे मैं यहाँ से उतर रहा हूँ, ये चलना शुरू जैसे ही करेगा एनडीए को बहुत बड़ा नुकसान। आइए नीचे चलते हैं, नीचे ये एस्केलेटर ने जाना शुरू कर दिया है। और अब जो हम बिहार विधानसभा की तस्वीर आपको दिखाएंगे वो बिल्कुल बदली हुई तस्वीर नजर आएगी, क्योंकि बिहार विधानसभा वैसे भी दो बार बदल चुकी है। बिहार की जनता अगर इतना भरोसा कर रही है तो भरोसा उन्होंने दिलाया है क्या सिर्फ एक वादा 10 लाख रोजगार का, या फिर पूरे तौर पर उनकी छवि, एक युवा नेता और साथ में एक बदलाव का मन? क्योंकि ग्राउंड पर जब हम रोहित लोगों से बात करते हैं, अब भले ही अभी तक ये कहा गया है कि ये वो वोकल वोटर्स हैं, वो वोटर्स हैं जो बोल रहे हैं खुलकर, तेजस्वी की रैली में तो 2019 के चुनावों में भी लोग आए थे लेकिन वोट नहीं मिले थे। क्या कमाल का काम किया, देखो क्या कमाल का काम किया, वाह 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 वाह। बिहार चुनावों से पहले न्यूज चैनल द्वारा एग्जिट पोल निकाले गए, इस एग्जिट पोल में तेजस्वी ही जीते दिख रहे थे। तब आज तक की एक डिबेट में अंजना ओम कश्यप नौकरियों के मुद्दे पर नीतीश सरकार के नेता से सवाल करती नजर आई थी। इधर तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी की बात कर रहे थे और उनको जवाब देने में नीतीश कुमार ये बता रहे थे कि पैसा कहाँ से आएगा, मतलब पैसा नहीं है, बता रहे थे कि नौकरी का ये मामला जो है ना ये सुलझने वाला नहीं है। वो बता रहे थे कि क्या जेल वाला जो जिसकी वजह से जेल गए वहाँ वाला पैसा इसमें लगाएंगे, नकली नोट लाएंगे, मतलब पैसा है ही नहीं राज्य के पास। नौकरियों की बात जो आपको बता रहा है वो गलत बता रहा है। के बीच का जो फर्क है वो चूंकि आपका विषय नहीं है, नहीं तो उसमें कई ऐसे झोल हैं जिससे मैं हम लोग ये कह पाएंगे कि अभी इसको एग्जैक्ट पोल नहीं मानते। अरे सर, अभी तो बात नौकरी पे हो रही थी, एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल बाद में देख लेंगे, ज्यादा दिन तो घंटों की बात है। सवाल तो यही था ना, ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं और आपकी ट्रैक से आपकी गाड़ी उतर रही है नौकरी के मुद्दे पर, हाथ खड़ा कर दिया नीतीश कुमार ने, कहा नकली पैसा से होगा क्या, मतलब आप नौकरी दे ही नहीं सकते। मैं वही कह रहा हूँ, जो काम एनडीए कर सकती है बिहार में, 30 वर्ष से कम उम्र के बिहार में 2 करोड़ लोग। गोदी मीडिया कुछ भी दिखाए, हम आपको सही और जनता के मुद्दों पर न्यूज दिखाते रहेंगे और मीडिया की आलोचना भी करते रहेंगे ताकि वह सरकार से जनता के मुद्दों पर सवाल करना शुरू करे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।